एक बार फिर से चीन को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है, एक बार फिर पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाई गई है। अब इस पर चीन और पाकिस्तान का गजब तालिबान पर क्यों बरसने वाला है? ग्वादर में होने वाला धमाका खुदकुश हमला करार दिया जा चुका है। हमले में चीनी काफले को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चीनी शहरी के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई है, जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6 चीनी इंजीनियर्स मारे गए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जुमे की शाम को ग्वादर में हुए धमाके के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। बताया गया है कि बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर की ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर चीनी काफले पर खुदकुश हमला हुआ। काफला 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल था, जिसके साथ आर्मी और पुलिस की गाड़ियां भी थीं। हमला आवर को सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने रोका तो हमला आवर ने काफले से 15 से 20 मीटर दूर ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में एक चीनी बशिंदा जख्मी हुआ, जबकि धमाके के करीब खेलने वाले 2 बच्चे जाँबहक और 2 जख्मी हुए। हमले के बाद वजारत दाखिला का कहना है कि चीनी और पाकिस्तानी हुकाम दोनों मुल्कों की दोस्ती को लाहक खतरात का इदराक है। पाकिस्तान ने चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से खातिर ख्वाह इकदाम उठा रखे हैं। इस मुश्किल दौर में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब इस पर पाकिस्तान पहले भी तालिबान को अल्टीमेटम दे चुका था TTP से मुतल्लिक कि इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन तालिबान ने तब कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तब दुनिया देखेगी कि कोई भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन कल फिर दहशत गर्दों ने ग्वादर पर हमला किया है और चीन को निशाना बनाने की कोशिश की है। अब वक्त आ गया है कि तालिबान पर मजीद प्रेशर डाला जाए और TTP को अफगानिस्तान से ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान से TTP ख़त्म नहीं होती तब तक भारत उनको फंडिंग करता रहेगा और पाकिस्तान पर हमले करवाता रहेगा।